बाइसेप्स की वजह से द माउंटेन मैन जैसा निकनेम भी मिला हुआ है। वैसे आप इसको ब्राजील का पॉपाई भी कह सकते हैं, पर आपको पता होना चाहिए कि 29 इंच की ये बाइसेप्स पाने के लिए एर्लेंडो ने जो किया उससे उसकी जान आसानी से जा सकती थी, क्योंकि ऐसा ही करते हुए उसके एक दोस्त की मौत हो चुकी है और दुनिया भर में बहुत से लोगों की भी। एर्लेंडो इतनी बड़ी बाइसेप्स पाने के लिए लंबे समय से अपने आर्म्स में अल्कोहल के साथ साथ बहुत से अलग अलग तरह के ऑयल्स को भी इंजेक्ट करता रहा है। वो कहता है कि मैं जानता हूँ ये खतरनाक है, पर मेरे लिए मेरे आर्म्स ही सब कुछ हैं। मैं हर रोज सुबह उठता हूँ तो बस इनके बारे में ही सोचता हूँ, जो इसके आर्म्स को देखकर लगता भी है। नंबर 4, डैनी डेविसन। इंग्लैंड के रहने वाले डैनी डेविसन एसेक्स के एक जिम में ट्रेनर है, जो अपनी मसल्स को ग्रो करने के लिए किसी भी तरह के स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। उनका मानना है कि औरत का दूध मसल्स को ग्रो करने के लिए सबसे बेहतरीन चीज है। डैनी ने यह बात पुराने बॉडी बिल्डर्स और रग्बी प्लेयर्स से सुनी थी, जिसके बाद उन्होंने भी इस पर अमल करना शुरू कर दिया। वो लगभग 100 मिलीलीटर दूध हफ्ते में कई बार पीते हैं और उसको ही अपनी मसल्स की ग्रोथ का सबसे बड़ा कारण भी मानते हैं। वैसे इस बात का कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि किसी औरत का दूध पीने से आपकी मसल्स की ग्रोथ होगी या नहीं, पर डैनी की वाइफ कहती हैं कि मैंने भी शुरू में सोचा कि ये मजाक कर रहे हैं, पर जब अपनी आंखों से उनकी मसल्स को बढ़ते देखा तो यकीन हो गया। वो आगे बताती हैं कि डैनी ने उनका दूध भी पिया हुआ है। नंबर 3, ओली कूनी। 16 साल की उम्र में बॉडी बिल्डिंग शुरू कर देने वाले ओली कूनी ने अपने शरीर को जल्दी से जल्दी बढ़ाने के लिए और बॉडी बिल्डर्स की तरह ही स्टेरॉइड्स का सहारा लिया, पर वो इनका इस्तेमाल इतना ज़्यादा कर रहे थे कि उसके 18 साल के होने तक डॉक्टर्स उसको इसके इस्तेमाल के लिए पूरी तरह से मना कर चुके थे। इतना ही नहीं, जब 20 साल की उम्र में उसकी मौत हुई तब तक उसको 2 हार्ट अटैक और 3 स्ट्रोक आ चुके थे। ओली की मौत एक टैक्सी को पकड़ने के दौरान हुई, जब वो सड़क पर गिर गए, जिसके बाद उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनको मृत घोषित कर दिया गया। डॉक्टर्स ने इसकी मौत के पीछे अधिक एक्सरसाइज और स्टेरॉइड्स के होने की बात कही। ओली की मां ने कहा कि मैं कभी नहीं चाहूंगी कि किसी के बच्चे की ऐसे मौत हो जैसे मेरे लड़के की हुई। वो हमेशा इन दवाइयों के कारण दर्द में रहता था, पर बॉडी बिल्डिंग ने जैसे उसको पागल कर दिया था। नंबर 2, रेमेरो डोस सेंटोस अल्वेस। 27 साल के रेमेरो अपनी मसल्स को रोज बढ़ते देखना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने वही किया जो इस लिस्ट में मौजूद अधिकतर बॉडी बिल्डर्स ने किया। रेमेरो ने अल्कोहल के साथ साथ बहुत से ऑयल्स को अपनी आर्म्स में इंजेक्ट किया। रेमेरो उसके द्वारा लिए गए स्टेरॉइड्स की वजह से हमेशा दर्द में रहता था और इसके कारण उसके आर्म्स में स्टोन्स बन गए थे। पर हालत जब ज़्यादा खराब हो गए जब डॉक्टर्स ने उसके आर्म्स को काटने की बात कही, हालांकि बाद में डॉक्टर्स ने बिना आर्म्स को काटे ही स्टोन्स को निकाल दिया। इसके बाद एक इंटरव्यू में रेमेरो ने माना कि वो घोड़े के हार्मोन्स का भी इस्तेमाल कर रहा था। 27 साल के रेमेरो ने एक बार आत्महत्या करने की भी कोशिश करी थी जब उसकी वाइफ 6 महीने की प्रेग्नेंट थी। उसका कहना था कि स्टेरॉइड्स ने उसके मानसिक संतुलन को बिगाड़ दिया था। नंबर 1, ग्रीक वेलेंटिनो। शायद ही बॉडी बिल्डर की ऐसी कोई सूची बने जिसमें इस आदमी का नाम ना आए। ग्रेक वेलेंटिनो, एक समय पर इनकी बाइसेप्स दुनिया में सबसे बड़ी हुआ करती थी। वेलेंटिनो ने दुनिया की सबसे बड़ी बाइसेप्स पाने के लिए स्टेरॉइड्स का खूब इस्तेमाल किया, और वो जब तक इस्तेमाल करता रहा जब तक कि उसकी बाइसेप्स फट नहीं गई, जैसे कि कोई गुब्बारा फट जाता है। इतना ही नहीं, उसको एक बार हार्ट अटैक भी आया हुआ है और उसका लीवर फेल भी हो चुका है। उसकी इस डरावनी कहानी को ESPN की एक डॉक्यूमेंट्री में दिखाया भी गया। ये डॉक्यूमेंट्री स्टेरॉइड्स के दुर्व्यवहार पर आधारित थी और 2005 में उस पर एक और डॉक्यूमेंट्री बनाई गई। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे भविष्य में आने वाले हमारे वीडियोज़ आप देख सकें। धन्यवाद।